ये वो घर है जिस घर पे अज्ञात चोरों ने अपना निशाना साधा है। और 5 सितंबर घर अमरूद के पेड़ के पास जो है ये वही घर है जिस घर पे अज्ञात चोरों ने निशाना साधा है। और काफ़ी लोग आहत हैं, गांव में एक कोहराम सा मचा हुआ है, लोगों के जुबानी निकल रहा है कि कैसे अब घर के सामान को बचाया जाए, क्या होगा, कैसे बचे। पुलिस को सूचना दी आपने? दे दिया, लिखित में दिया है, मौखिक एप्लीकेशन दिया है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेश प्रकाश। अच्छा अच्छा, आपकी पत्नी का क्या नाम है? किशोरी देवी। दी है आपने? हाँ दे दी। पुलिस को सूचना दे दी? दे दिया। एप्लीकेशन दिया? हाँ दिया। अच्छा अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? वो अभी आ रहे हैं। अच्छा, आने की बात कही है, अभी आई नहीं। वो एक कांड हो गया है, कोई रेवड़िया साहब साथे गाड़ी से आए, कहाँ के अभी आए नहीं? अभी आए नहीं, आने वाले। पकड़ा क्यों नहीं जब देखा तो? ये हमने नहीं, हमारे भतीज कृष्णा रूल है, चिल्ला तब तक हम सर इसलिए वो लोग निकल जाते हैं। अच्छा, तब तक वो भाग गए? हाँ भाग गए। अच्छा अच्छा अच्छा, घर के मुखिया से क्या नाम है बाबा जी आपका? सुरेश प्रकाश। पिताजी का क्या नाम है? मुरलीधर। आपके वहाँ क्या हुआ है? चोरी हुई। कैसे चोरी हुई, पूरी घटना पर प्रकाश डालें। ये भैया 12 बजे के बाद हम यहाँ द्वारे लेते से बरामदे में, और बच्चे सब अंदर थे, अब लाइट चली गई, सब छत पर जाल पर चले गए हैं, और वो बांस लगा करके पीछे से चढ़ करके सारा जेवर बर्तन कपड़े नगद 75,000 रुपये ये सब उठा ले गया। अरे करीब 4-5 लाख रुपए का सामान, 4-5 लाख रुपए की चोरी हुई है। और एक काम जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेखौफ चोरों ने, एक अज्ञात चोरों ने घर पे कहर बरसाया है और यहाँ से चोरी हुई है, और लाखों की चोरी हुई है। लेकिन बात करते हैं घर स्वामी से, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि इतनी भयंकर चोरी यहाँ पर हुई है कि इनके नात रिश्तेदार यहाँ पर जो जहाँ से सुना वो वहाँ से भागा चला आया, और दरवाजे पर काफ़ी चहचहों मचा हुआ है लोगों, एक जनमानस में जुबानी चर्चा बना हुआ है कि इस योगी सरकार में इस कदर से आज भी बेखौफ अज्ञात चोर हौसले बुलंद किस कदर से खाकी वर्दी को ठेंगा दिखा रहे हैं और आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये हाल है योगी सरकार में हौसला बुलंद चोरों का, क्योंकि ये घर को निशाना बनाया है। रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम रघुपुरवा मजरा, रसूलपुर का मजरा है ये रघुपुरवा गांव में। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम रघुपुरवा की हैं, जहाँ पर काफ़ी एक प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, और ये मजरा रसूलपुर का है रघुपुरवा, जहाँ पे एक ये जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे जो हजूम इकट्ठा है दरवाजे पे, इससे साफ जाहिर होता है यहाँ पे एक कोई घटना घटी है। लेकिन उस घटना से हम आप लोगों को ले चलते हैं, रूबरू कराते हैं मेन मालिक से, और घर का कौन मुखिया है, और कौन सी घटना घटी है, क्या हुआ है, क्यों इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्या कारण है, पूरी घटना से हम अवगत कराएँगे अभी आप लोगों को। काफ़ी घर में एक कोहराम सा मचा हुआ है, एक जुबानी छाया हुआ है, क्योंकि ये चित्र जो हैं और ये तस्वीरें हैं प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, और वो घटना आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का हजूम यहाँ पे गांव के लोगों का घर के अंदर लगा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस कदर से कुछ वीडियो कैद की गई हैं, कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं, लोगों से बातचीत के अंश कैद किए गए हैं, और हम आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम रघुपुरवा मजरा रसूलपुर है, जहां पर रघुपुरवा में एक घर को अज्ञात चोरों ने 5 सितंबर 2019 और सुबह 6 सितंबर 2019 की सुबह एक घर को निशाना बनाया है अज्ञात चोरों ने, और निशाना इस कदर बनाया कि वो घर के पीछे से बांस लगाकर घर में प्रवेश किया, और घर में नकदी और जेवरात समेत करीब, पीड़ित के अनुसार जो गृहस्वामी के अनुसार बताया जा रहा है कि करीब 4 लाख रुपए का माल पर हाथ अज्ञात चोरों ने साफ किया है। लेकिन बात यहाँ यूं ही ख़त्म नहीं होती है, बात तो यहाँ पे ये ख़त्म होती है यहाँ पर कि जहाँ एक तरफ योगी सरकार कड़े से कड़े नियम और कानून लगा रखे हैं, और विभागीय पुलिस अधिकारी अपने मतहत जिम्मेदारों को कड़े से कड़े और कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं क्राइम को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए, लेकिन कम नहीं होने का नाम ले रहा है। आए दिन चोरियां तड़ातड़ होती जा रही हैं, खाकी वर्दी को चुनौती स्वीकार करनी पड़ रही है, लेकिन पुलिस उन तक बौनी साबित हो रही है,
अभी आपने देखा होगा कि कल परसों भी एक चोरी हुई थी, और ये दूसरी घटना है जो कि बड़ी घटना है। घर में लोगों का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि लोगों की नींद हराम हो रही है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, और 4 लाख रुपए की चोरी यहाँ पीड़ित के अनुसार बताई जा रही है। ये रघुपुरवा गाँव में जो है घटना घटी है। पूरी वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे किस कदर से चोरों का एक कहर क्षेत्र में भय व्याप्त है, लोग दहशत में हैं, लोगों की नींद हराम हो चुकी है। कैसे वो अपने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने को कैसे वो सुरक्षित महसूस करें, ये हाल है योगी सरकार, वाहरी योगी सरकार। आपके थाने में ये चोरियां, इस कदर से चोरियां, ताबड़ चोर चोरियां, कोई रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन पुलिस को खाकी वर्दी स्वीकार करनी पड़ रही चुनौतीपूर्ण अज्ञात चोरों की। यहाँ पे जो ग्रामीण पास पड़ोस के इकट्ठा हैं, वो यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं? आप लोग कैसे आए थे, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ ये सुने थे कि मास्टर साहब के यहाँ चोरी हो गई। किसका घर है ये? सुरेश प्रकाश शुक्ला का घर। अच्छा, ये कौन सा गांव है? रघुपुरवा। मजरा रसूलपुर का है। अच्छा, क्या सुना था आपने? क्या चोरी, कोई बड़ी चोरी हुई है क्या? हाँ, बताते तो थे कि 3-4 लाख रुपए की चोरी। अच्छा अच्छा, उसी में आप आए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस आई थी क्या? हाँ, प्रधान जी बताएं आप यहाँ कैसे आए थे? हम यहाँ आए थे कि सूरज प्रकाश के वहाँ चोरी, लोगों ने बताया कि चोरी हो गई है, सारे पता पाते ही आ गए। अच्छा, कितनी चोरी हुई है? चोरी लगभग 4 लाख। ये कौन सा गांव है? रघुपुरवा। आप प्रधान हैं यहाँ के? जी, हम यहाँ के प्रधान। अच्छा अच्छा, आप तो रसूलपुर में रहते हैं? रसूलपुर मजरा में रहे, रघुपुरवा। अच्छा अच्छा, 4-5 लाख रुपए की चोरी हुई। हाँ, अच्छा अच्छा, ये रघुपुरवा गाँव है? रघुपुरवा। अच्छा, चोर कैसे घुसे अंदर? ये बांस लगा कर, लोग बता रहे हैं कि घर के लोग बता रहे हैं, बांस लगा करके मेरे मकान पे चढ़ के। अच्छा, तो क्या थाने में पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, सूचना दे दी गई। पुलिस आई थी कि नहीं आई थी? पुलिस अभी आई नहीं है, आ रही है। अच्छा अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ के प्रधान से, क्योंकि प्रधान यहाँ के सभापति हैं और इस गाँव की जिम्मेदारी है और नैतिकता बनती है। लेकिन घटना पर प्रकाश डालते हैं, क्या हुआ है? प्रधान जी बताएं, क्या हुआ है यहाँ पे? हमारे ग्राम पंचायत में रघुपुरवा मजरा रसूलपुर में सुरेश प्रकाश शुक्ला के वहाँ जो है बहुत चोरी हो गई है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है? लगभग 4 लाख रुपए की। अच्छा, पुलिस को सूचना दे दी गई है? पुलिस को सूचना दे दी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चोर कैसे घुसे हैं अंदर? चोर बांस लगा करके उनके मकान के ऊपर चढ़ करके वहाँ से नीचे उतर आया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी चोरी हुई है? काफी चोरी हुई। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग 4 लाख से कम, लोग नहीं बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने देखा कि प्रधान जी यहाँ पे घटनास्थल पे मौजूद हैं और काफ़ी साजिंदा हैं अपने ग्राम सभा के पंचायत के प्रति, और ये भी बता रहे हैं, इनका कहना है कि काफ़ी बड़ी चोरी हुई है और चोर काफ़ी जो है एक कहर बरपाया है परिवार पर। इसके पहले हमारे गांव में एक चोरी और हो चुकी है, 2-3 घरों में पहले से चोर। नहीं तो आज नहीं, इसके पहले, आज के 15 दिन पहले, उसमें जो है चोरों को जो है शिकायत भी नहीं किया लोगों ने। चोरी पे जो ग्रामीण पास पड़ोस के इकट्ठा हैं, वो यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं? आप लोग कैसे आए थे, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ ये सुने थे कि मास्टर साहब के यहाँ चोरी हो गई। किसका घर है ये? सुरेश प्रकाश शुक्ला का घर। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? रघुपुरवा। मजरा रसूलपुर का है। अच्छा, क्या सुना था आपने? सुना था कि सुबह एक लोग गए थे तो बता रहे थे कि मास्टर के यहाँ चोरी हो गई। क्या चोरी, कोई बड़ी चोरी हुई है क्या? हाँ, बताते तो थे कि 3-4 लाख रुपए की चोरी। अच्छा अच्छा, उसी में आप आए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस आई थी क्या? क्या नाम है माता जी? सोने की जजीर, नथुनी और पायल, अंगूठी दुई और बाला झाला और तीन की गई है। नगदी कितना गया है? नगद पैसा कितना गया है? 1 लाख। कुल कितने की चोरी हुई है? और कुल 4 लाख से कम नहीं हुई है। नहीं तो आपके पति तो कह रहे हैं कि 70,000 रुपया नगद गया, तुम 1 लाख बता रहे हो। पति हमारे रुपया नहीं जानते ना। अच्छा, तुम्हारे अलग थे? तुम्हारे तुम्हारे कितने थे? हमारे पोते के, हमारे अलग रहे 25-30 हज़ार। अच्छा अच्छा, 30,000 अलग थे, मतलब 70,000 अलग थे। अच्छा अच्छा, कुल मिला के तुम्हारे रुपये वो नहीं जानते थे। ठीक ठीक, आप कौन हैं? सब पूरी पूनम नाम। अच्छा, आप इनकी कौन हैं? बिटिया। अच्छा, आप यहीं रहती हैं क्या? ठीक, कब आई रहा? अब है जब उभर है बरहा। अच्छा ठीक, क्या क्या गया है आपका? हमारा झुमकी गई, माला गवा और मांगे बेंदी गई, ज्योरी आधा किलो की जो है। अच्छा अच्छा, ये सामान सब गया नगर। अच्छा अच्छा, चप्पल रहा है। अच्छा अच्छा, झुमकी रहा, बहुत चीज रहा। अच्छा।